रानी जो है वो नर्मदा नदी को देख सकती थी उस प्लेस से। ऐसी जगह आए तो कृपया ऐसी बेवकूफ़ी तो ना करें कि भाई बिल्कुल किनारे पे खड़ा हुआ है बंदा और बिल्कुल देख भी नहीं रहा है कि साइड में खाई है। तो हे यारो, गुड मॉर्निंग। आज है बेसिकली बहुत अमेजिंग डे, मौसम बहुत अच्छा है और इस समय हम जाने वाले हैं आज मांडू, जिसको बेसिकली मांडव बोला जाता है। आप भी चलिए हमारे साथ इस ट्रिप पर और एंजॉय कीजिए इस अमेजिंग सी ब्लॉग। ताला डालकर, सीढ़ियाँ उतरकर और गेट को खोलकर हम निकल पड़े अपने सफर पर। बेसिकली यारो, पहले तो मुझे मनाल रेस्टोरेंट होटल पहुँचना पड़ेगा। तो यारो, हम तो पहुंच गए अपनी पिकअप लोकेशन पे, दैट मींस होटल मनाल। एंड फाइनली 20 मिनट वेट करने के बाद हमारी वैन आ गई और उसमें हम चल दिए। बेसिकली दो लोगों के साथ ही मांडो जाने में ज्यादा मजा आता है, या तो छोकरी या फिर मित्रों की टोकरी। तो हमारे साथ ही मित्रों की टोकरी। तो हमारी जर्नी स्टार्ट हुई पहाड़ों पे बादलों को देखते हुए, रास्ते में अमेजिंग सी हवाओं को लेते हुए और साथ ही प्यारी प्यारी उन बकरियों को देखते हुए जो कि इस ट्रिप को और मज़ेदार बना रही थी। एंड इसके बाद हम सीधे पहुंच गए रेस्टोरेंट, क्योंकि भाई ब्रेकफास्ट होना भी तो बहुत ज़रूरी है ना। सो हम आए अभी होटल प्लेस पैलेस के लिए। हो सकता है कि ट्रिप ये पूरा का पूरा दिन भर का चले, तो इससे पहले कि कुछ खा पी के चलें, सो इट्स विल बी बेटर फॉर अस। मौसम बहुत अच्छा है आजकल, सुबह सुबह से थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी हुई है, हल्की हल्की सी बौछारे टाइप की पड़ी है और अभी आगे जाते जाते और अच्छा मौसम होने वाला है। अभी हम लोग वैसे वेट कर रहे हैं अपने पोहा और चाय का। नाश्ता करने के बाद हम लोगों ने ट्रिप तो स्टार्ट कर दी, लेकिन एक दूसरे की टांग खिंचाई हुई चालू। तो मांडव से पहले हम पहुंचे हैं काकड़ा। गूगल वगैरह पे अगर आपने कोई चीज देखी होगी तो शायद मांडव के लिए यही वो प्लेस होगी। लेट मी शो यू, लुक एट दिस ब्यूटीफुल प्लेस। ओह माय गॉड, वाओ यार क्या बात है भाई, ये खाई देख रहे हो कितना गहरा है। हमने ट्रेवल किया काकड़ा खो, अब उसके बाद हम जाने वाले नेक्स्ट कहाँ? नीलकंठ महादेव ना। उसके बाद हम लोग डायरेक्टली निकल गए मांडव में नीलकंठ महादेव की तरफ। अभी मैं आपको इस प्लेस को और क्लोज से दिखाता हूँ। तो यार ये देखो, ये खाइए, ऐसा लगता है 90s की टाइम पे मूवीज यहीं पे शूट होती हो, सुसाइड वाले इधर ही सीन। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल। वहाँ पे ना एक खास बात ये भी थी कि वहाँ पे एक कुंड भी बना हुआ था, साथ में सर्कल टाइप में वहाँ पे ना एक पत्ती अगर आप डालते हो उसमें और जब वो रोटेट होते हुए बाहर निकलती है, तो उस टाइम पे आप जब मन्नत मांगते हो, ऐसा कहा जाता है कि जब आप मन्नत मांगते हो तो वो मन्नत आपकी पूरी की जाती है। अगर आप इन वादियों को यहाँ से देखेंगे तो सबसे ज़्यादा शांति आपको यहाँ से मिलेगी, सीरियसली कह रहा हूँ मैं। दूर दूर तक जहाँ जहाँ तक आपकी नज़रें जाएंगी वहाँ वहाँ तक पूरी हरियाली। इससे अच्छा प्लेस, वाव यार, मतलब अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। एक्चुअली कहूँ ना भाई, सच में ये बहुत अमेजिंग प्लेस है। आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड यू टू कम अब विजिट एटलीस्ट वंस। मन में अगर शांति नहीं मिल रही है, सिगरेट मत फूको, यहाँ पे आ। सच में यार बहुत अमेजिंग प्लेस और यू विल लव इट। ऐसी जगह आए तो कृपया ऐसी बेवकूफ़ी तो ना करें कि भाई बिल्कुल किनारे पे खड़ा हुआ है बंदा और बिल्कुल देख भी नहीं रहा है कि साइड में खाई है एकदम से। फाइनली अभी हमने देखा भगवान शिव जी की शिवलिंग देखा, एंड देन अब उसके बाद हम जा रहे हैं रानी रूपमती महल पर। इसकी फोटोज पहले खाना ले रहे हैं, खाना खाएंगे, खाना खाने जा रहे हैं, खाना खाएंगे एंड देन फिर उसके बाद रानी रूपमती महल पर जाएंगे। बेसिकली अभी आए हुए हैं गुरु कृपा रेस्टोरेंट पर और अभी हमने यहाँ पर ऑर्डर किए दाल बाफले, स्पाइसी नॉन स्पाइसी, वो डिपेंड करता है मतलब लोगों की चॉइस के ऊपर, तो उसके अकॉर्डिंग बुक किया। बाकी अभी जब तक हम लोग का लंच चल रहा है तब तक आप वो फोटोज़ जो नीलकंठ शिवलिंग पर जो हम लोगों ने इतनी सारी फोटोज़ ली है उन सबको एंजॉय करो। अब चलना है डायरेक्टली रानी रूपमती महल पर और सच में कहूँ तो दाल बाफले बहुत सो टेस्टी। तब तक के लिए वो वाली फोटोज़ तो देख ही ली होंगी, आई नो सॉरी फॉर दैट कि मैं कवर नहीं कर पाया फूड को। और इसके बाद हमारी ये ट्रिप निकल पड़ती है डायरेक्टली रानी रूपमती महल की तरफ। सबसे पहले आप स्टोरी को ओवरव्यू ले लो, तो उसके बाद आपको क्या है वहाँ पर घूमने में ज़्यादा मज़ा आएगा। बेसिकली राजा बाज बहादुर और उनकी वाइफ थी रानी रूपमती, तो रानी रूपमती ने ये डिमांड किया था कि उनको ना अन्न ग्रहण करने से पहले एक ऐसा महल चाहिए या फिर एक ऐसी प्लेस चाहिए जहाँ से वो नर्मदा को देख सकें।
सबसे पहले, उसके बाद ही वो अन्न ग्रहण करेंगे। हमको जाना है उस वाली पहाड़ी पे, देखो वहाँ पर उस वाली पहाड़ी पे। तो यहाँ पर पर्सन का टिकट है 25 रुपया टिकट। संडे का दिन सबसे ज़्यादा ट्रैवल, टूरिस्ट सबसे ज़्यादा लोग आते हैं यहाँ पर, और बेसिकली इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही है यहाँ पे, देख सकते हो मतलब गाड़ियों पे गाड़ियाँ लग रही हैं। लोगों को पार्क करने के लिए अपनी गाड़ियों का जगह नहीं है, और हमारी जो ट्रैवलर है बेचारी उसको भी नीचे खड़ा करवा दिया गया क्योंकि आगे तरफ पुलिस चालान काट रही थी। सो हमको 1 किलोमीटर आगे चल के जाना पड़ेगा एंड देन उसके बाद हम उस महल पर पहुंच पाएंगे, बिल्कुल वो टॉप पर। तो जितने दाल बाफ्ते खाए उतने बच भी जाएंगे, उस ऊंचाई तक जाते हैं। आ जाइए, आपको फिर रानी रूपमती महल, रानी रूपमती से मिलवाते हैं। रूपमती का महल पॉसिबली हो सकता है कि रानी रूपमती उस वाली प्लेस से आगे नदी देखती हूँ। इस महल को बनवाया गया था राजा के द्वारा, बट इस महल का एक अलग उद्देश्य भी था। इस महल को बनवाने के पीछे का एक सिंपल रीज़न ये भी था कि पहली चीज़ तो रानी जो है वो नर्मदा नदी को देख सकती थी उस प्लेस से, टॉप मोस्ट प्लेस। एंड द अदर थिंग वॉज कि कभी भी कोई भी दुश्मन अगर आ रहा है या फिर इनके तरफ अटैक करने की सोच रहा है तो वो प्लेस सबसे ज़्यादा उनको काम करती थी कि वहाँ से कोई भी किसी भी पर्सन को देखा जा सकता था। तो उस पॉइंट से मतलब एक तीर से दो निशाने हो गए थे राजा के। आज आप संडे का क्राउड इस महल पर इस चीज़ से ही लगा सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल द ट्रैफिक, सेकंड ऑफ ऑल द सिटीजंस, मोस्ट ऑफ द पर्संस आर यूज्ड टू केम हियर ऑन संडे एज वेल एज ऑन सैटरडे आल्सो। सोचो पुराने ज़माने में रानी के टाइम पर कैसा लगता होगा यहाँ पर। रानी यहाँ से घूमती होगी अपने दो दासियों के साथ, यहाँ पर जाती होगी दो दासियों के साथ, दो नहीं चार दासी भी हो सकती हैं बाय द वे। क्या तो शानदार बना है यार, सीरियसली अमेजिंग। यहाँ से देखो यार ये सीन, ओ माय गॉड, नो वर्ड्स फॉर दिस। मैंने बताया था ना राजा के पास, जो अगर कोई हमला करने की सोचे तो वो यहाँ से पूरे सीन देख सकता है। तो आई थिंक दिस इज अ प्लेस वेयर ही कैन सी एवरीवन। मैं एक चमत्कार दिखाता हूँ, अगर आप दूर तक देख सको तो वहाँ पर बादल एकदम साफ है, ठीक है। लेकिन अगर मैं दूसरे साइड की बात करता हूँ उस वाले एरिया की, तो वहाँ पर अच्छी खासी बारिश हो रही है और वो पानी अब यहाँ तक आने वाला है और हम अब भीगने वाले हैं। लगभग थोड़ी थोड़ी बारिश की बौछारें चालू, थोड़ी सी देखो अब हवा चलने लगी, बारिश होने वाला है। एंड कैप मुझे संभाल के रखना पड़ेगा, कहीं उड़ गया तो मेरी दिक्कत हो जाएगी। तेज आ गया है पानी और पीछे साइड से आ रहा है पानी, आगे तरफ अगर आप देखोगे तो शायद पूरा का पूरा बादल फैला हुआ है। अब आप बताओ नेक्स्ट कहाँ प्लेस है। अभी हमारा नेक्स्ट टारगेट है जहाज महल, जो पानी पे एकदम चलता हुआ जहाज महल है, बहुत बड़ा सा। तो चलो चलते हैं, लेट्स सी। एंड इसके बाद हमारी ट्रिप पहुंच गई राइटली जहाज महल की तरफ। इस सैटरडे संडे में आने का फायदा तो है कि भीड़ बहुत है, लेकिन नुकसान ये है कि इस भीड़ में ट्रैफिक बहुत है और इस ट्रैफिक की वजह से हमें चलनी पड़ रही है कई सारी प्रॉब्लम। एक्चुअली अगर हम नॉर्मल डेज पर आते तो हमारी गाड़ी आगे तक चली जाती, हम डायरेक्ट जहाज महल के गेट के बाहर ही उतरते, लेकिन अभी इतना ज़्यादा ट्रैफिक है कि उसके अकॉर्डिंग आपको 1 किलोमीटर चलना पड़ेगा। रानी रूपमती महल में भी 1 किलोमीटर आपको आगे चलना पड़ा था। हाँ आशी भाई, कुछ बोलना चाहोगे जहाज महल के बारे में? हम भी पहली बार ही जा रहे हैं तो देखते हैं क्या होता है आगे जाके। हाँ अच्छा, बताएंगे आपको भी। और रूपमती महल में क्या फील किया तुमने? रूपमती महल में यार मतलब राजाओं ने बहुत सारे अपनी कृतियों के लिए कुछ करके रखा है, हम भी सोच रहे हैं कुछ अपने रानी के लिए कर रहे हैं। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। इस तरीके से इनकी प्लानिंग है, फ्यूचर प्लानिंग इसको कह सकते हैं। फाइनली यार अभी आधा घंटे ट्रैवल करने के बाद, 1 किलोमीटर चलने के बाद हम पहुंचे जहाज महल में, और अभी एंट्री के लिए वी नीड टू टेक टिकट। एंड लुक एट द अमेजिंग प्लेस, एंड लुक एट द क्राउड। कैसा लगा 20 मिनट्स लाइन में खड़े होके थोड़ा वेट करके, कैसा लगा? बहुत बढ़िया। सुबह से वेट कर रहे हैं, फाइनली हम लोग जहाज महल जहाज एंट्री कर लाए, लेकिन एंड क्या बिना पानी के जहाज चलेगा। ये है प्यारा व्यू जहाज महल का। कहा जाता है कि इस प्लेस को अगर ऊपर से देखा जाए
आपको ये दिखाई देगा कि दो जगह पर पानी है, आई मीन लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, एंड ये प्लेस बीच में बना हुआ है. एंड आई एम स्टैंडिंग इन द सेंटर ऑफ दिस प्लेस. इफ़ यू वॉन्ट टू सी वाटर टू माई लेफ्ट और राइट साइड, सो लेट मी शो यू. इस साइड पानी मिलेगा आपको देखने को, एंड लेट मी शो यू एट राइट साइड. सो हियर आल्सो यू कैन सी वाटर. लेट मी शो यू. होल्ड अप अ सेकंड. या हियर इट इज. तो अब आप इससे समझ सकते हैं ये वो प्लेस है जहाँ पे लेफ्ट और राइट साइड दोनों तरफ पानी है, बीच में है, इसीलिए इसको जहाज महल बोला गया है. यदि अगर आप यहाँ से दूर दूर तक देखेंगे तो भाई यहाँ से दूर दूर तक आपको वो बादल पहाड़ी देखने को मिलेंगे. ये वो प्लेस है जहाँ पर राजा नहाया करते थे, एंड ये वो प्लेस है जहाँ पर रानी जी नहाया करते थे. पानी का बड़ा ध्यान रखा जाता था. रानी नहाती थी. ओके okay. राजा नहाता था. ओह माय गॉड. हाँ तो वो यहाँ से माहौल बनाती थी तो राजा ऊपर आता था. It's almost like for the first time all over again. ये है प्राचीन हिंदू बावड़ी. बावड़ी बावड़ी. तो अभी हम आए हैं हिंडोला महल. बेसिकली इसका क्या है ना कि ये 6 डिग्री तक थोड़ा झुका हुआ है एक्चुअली. तो इसका नाम थोड़ा सा कर्वी शेप है, 6 डिग्री तक झुका हुआ है, इसलिए इसका नाम क्या रखते हैं लोगों ने हिंडोला महल. लुक एट द वॉल्स. इफ आई कुड शो यू दिस वॉल्स देन दे आर 6 डिग्री कर्व. सो फ्रॉम हियर यू कैन जज दैट इट इज हिंडोला महल. ओके सो इफ आई कुड शो यू फ्रॉम इनसाइड. So this is how it looks. Look at this amazing view. Oh my god, wow. इसके अंदर देखे तो मेरी आवाज गूंज रही है. इस तरीके से इसको बनाया गया था. आई डोंट नो इसके पीछे का क्या रीजन था. ये तो राजा ही बता सकते हैं या फिर गाइड बता सकता है. दो पर्सन के अलावा कोई नहीं बता सकता है. हमारे पास दोनों नहीं है. तो और हम अगर बाहर निकलते हैं तो दिस इज हाउ इट लुक्स फ्रॉम आउटसाइड. लेट मी शो यू. तो बेसिकली ये था पूरा. इसके अंदर एक काला पानी जहाँ पे लोगों को सजा दी जाती थी. एंड आई एम नॉट गोइंग दैट साइड बिकॉज इट्स अ वेरी स्केरी प्लेस. तो जहाज महल को कहते हैं अब बाय बाय. और अब अपन चलते हैं अपनी ट्रैवलर के पास. ठीक है तो फाइनली अब यहाँ से अपनी ट्रिप वापस निकल रही है इंदौर की तरफ. हो गया पूरा ट्रिप घूमना. अब चलो चलते हैं वापस. तो यार इस तरीके से मेरी ये ट्रिप कंप्लीट हुई और रात के 8 बजे के आसपास मैं घर पे आ पाया. और सच में ये मेरे लिए बहुत अमेजिंग पल थे. बहुत ज़्यादा टीम के साथ मस्ती की वो तो बात अलग ही थी, लेकिन जो नेचर के साथ वहाँ पे जाके देखा और जो अमेजिंग अमेजिंग फ़ोटोज़ में तो आपने खैर देख ही लिए होंगे, लेकिन जो अमेजिंग मोमेंट जो कि अपने अंदर कैप्चर किए वो बहुत अमेजिंग थे. मतलब नो वर्ड्स फॉर देम. मैं आपको भी प्रेफरली सीरियसली सजेस्ट करूँगा कि आपको वहाँ पर जाना चाहिए, एक बार विजिट ज़रूर करना चाहिए. और उसको टूरिस्ट प्लेस क्यों बनाया गया है आपको वहाँ पर जाके सारे मतलब पता चल जाएंगे. एंड आपके लिए वो एक बेस्ट ट्रिप हो सकता है मैं तो ये कहूँगा. और मानसून के टाइम पर ही जाना ज़्यादा मज़ा आता है क्योंकि उस टाइम पर ही जो फील आता है ना एक्चुअली घूमने का वो सबसे अच्छा वहीं पर आता है. तो आपको ज़रूर जाना चाहिए एक बार और ट्राई करना है कि मानसून के टाइम पर जाओ तो बेटर होगा. फिर विंटर के टाइम पर भी चलेगा लेकिन थोड़ा कम मज़ा उस टाइम पर आएगा. सबसे ज़्यादा मज़ा अगर बात करूँ तो मानसून के टाइम पे, फिर थोड़ा सा कम विंटर के टाइम पे, और सबसे कम तो फिर ऑब्वियसली बात है समर के टाइम पे, क्योंकि कोई फील नहीं आता एक्चुअली घूमने में. चलो यार तो कैसा लगा ये ब्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताना. और कैसी लगी आप लोग को ये ट्रिप ज़रूर बताना कमेंट करके. जल्दी मिलते एक नई वीडियो के साथ. तो ध्यान रखो और इन्जॉय करते रहो और अपने आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करते रहो. टेक केयर.